तो ये वाले क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है मेडिकल वालों के लिए। तो अगर तुम देखोगे यहाँ पे एक रेयर व्यू क्या होता है भाई, पीछे वाला रेयर साइड ऑफ ए ट्रक इज ओपन एंड ए बॉक्स 20 प्लेस्ड ऑन ए ट्रक 4 मीटर अवे फ्रॉम द ओपन एंड। मतलब एक ट्रक है और उस ट्रक का ये वाला जो पार्ट है, इमेजिन करो एक ट्रक है और ये जो ट्रक है वो आगे जा रहा है ऐसे कुछ। दिस इज़ द ट्रक ऑन मूविंग ऑन हॉरिजेंटल सरफेस और ये ट्रक आगे जा रहा है और ये पीछे से खुला हुआ है। तो अगर ये ट्रक आगे जा रहा है, यहाँ पे कोई ड्राइवर होगा आगे इसको चला रहा होगा, तो यहाँ से एक बॉक्स है जो 20, यहाँ से एक बॉक्स रख दिया, दिस इज मास ऑफ द ब्लॉक दैट इज 20 kg। तो ये जो 20 kg का ब्लॉक है वो यहाँ से रखा हुआ है और 4 मीटर यहाँ से 4 मीटर का डिस्टेंस है ये वाला। तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर यहाँ से दिया हुआ है और यहाँ पे कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू भी प्रेजेंट है और इस म्यू की जो वैल्यू है यहाँ से वो 0.15 यहाँ दे रखा है और जी की वैल्यू आपको 10 आ रहा। ट्रक स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, टी इज इक्वल टू 0 पर ट्रक रुका हुआ था और उसके बाद आगे एक्सलेट करेगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक ना। तो कहता है द बॉक्स विल फॉल ऑफ द ट्रक, जो बॉक्स है वो ट्रक से गिर जाएगा। मतलब ये बॉक्स इधर आएगा, इधर को डायरेक्शन में आएगा इधर को, और यहाँ से गिर जाएगा, ठीक है ना। तो उस वक्त ट्रक कहाँ पर होगा, तो चलो यहाँ पे मान लो कहीं पे ट्रक होगा तो वो जो ट्रक कहाँ पे होगा वो वाला सेपरेशन पूछा जा रहा है। जब ब्लॉक यहाँ गिरने वाला होगा या गिर चुका होगा, ठीक है ना, जब इसी निवे होगा, तो ये ट्रक का डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। ट्रक को ट्रक नहीं समझना, पॉइंट मास समझना। तो ये यहाँ से ट्रक का डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है, ये वाली एक्स की कैलकुलेशन करनी है। तो देखो एक्स की कैलकुलेशन करनी है, अगर मैं ट्रक के लिए डिस्प्लेसमेंट लॉजिक क्या है, ट्रक के लिए एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाता हूँ तो ट्रक का डिस्प्लेसमेंट इनिशियल वेलोसिटी 0 हाफ एक्सलेशन ए टाइम टी स्क्वायर। तो ट्रक का तो एक्सलेशन दिया हुआ है 2, मतलब ट्रक का जो डिस्प्लेसमेंट एक्स की जो वैल्यू आएगी वो हाफ ट्रक का एक्सलेशन 2 और टाइम टी स्क्वायर, मतलब एक्स इज इक्वल टू टी का स्क्वायर। मतलब ब्लॉक को, ब्लॉक जब यहाँ से टी इज इक्वल टू 0 पर ब्लॉक यहाँ था तो ब्लॉक को यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, उतना वही वाला टाइम ट्रक का डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही टाइम में। मतलब 4 मीटर ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट में कितना टाइम हुआ, वो टाइम अगर मैं निकाल लूँ और यहाँ रख दूँ तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। आया समझ में? तो चलो सबसे पहले वो हम टाइम निकाल लेते हैं और फिर फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे, ठीक ना, ये हमारा लॉजिक है। तो चलो सबसे पहले हम टाइम कैलकुलेट करते हैं ब्लॉक का, ठीक ना। तो ब्लॉक का FBD बनाओगे तो ब्लॉक पे कितने फोर्स लग रहे हैं, देखो ब्लॉक को अगर तुम देखोगे तो ब्लॉक पे कुल कितने फोर्स लगे। ब्लॉक पे सबसे पहले ब्लॉक पे नॉर्मल लग रहा होगा जो कि ट्रक का सरफेस लगा रहा होगा, MG उस पर अर्थ लगा रही होगी और MG की वैल्यू यहाँ 200 न्यूटन होगी क्योंकि मास 20 था, ठीक है। और ब्लॉक पे सूडो फोर्स है, आगे एक्सलेट होता है। सूडो फोर्स कैसे लगाते हैं, मास ऑफ द बॉडी एक्सलेशन ऑफ द फ्रेम। मास ऑफ द बॉडी यहाँ कितना आया, मास ऑफ द बॉडी 20 है और एक्सलेशन 2 है तो 40 न्यूटन तो सूडो इधर लग रहा होगा। अब सूडो को सूडो इधर लग रहा, ब्लॉक पीछे जाने की कोशिश कर रहा है, ये सारा गेम एक ऑब्जर्वर है वो यहाँ से देख रहा है, ठीक ना। तो ये ऑब्जर्वर देख रहा, नॉन इनर्शियल फ्रेम से सॉल्व कर रहा है, ये उसके लिए है, ठीक ना। तो अगर ये नॉन इनर्शियल फ्रेम उसके लिए आ रहा है तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो उस पर इधर लगेगा, एफ काइनेटिक इधर लगेगा। तो अब काइनेटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है वो कितनी है वो निकाल लेते हैं। तो एफ काइनेटिक इज इक्वल टू म्यू के यहाँ से एन, तो म्यू के इज इक्वल टू तुम देखोगे यहाँ से 0.15, नॉर्मल की वैल्यू यहाँ से एम जी आ जाएगी तो 0.15 और नॉर्मल एम मास 20 है और जी की वैल्यू यहाँ 10 तो यहाँ से आ जाएगा 30 न्यूटन। तो 30 न्यूटन क्या है भाई, यहाँ से फ्रिक्शन आ जाएगा, मतलब ब्लॉक एक्सलरेट करेगा इधर की डायरेक्शन में क्योंकि 40 बड़ा है ना 30 से। तो एक्सलेशन कितना आ जाएगा, एक्सलेशन आ जाएगा 40 माइनस 30 और डिवाइडेड बाई मास ऑफ द ब्लॉक 20। तो यहाँ से एक्सलेशन जो आ जाएगा वो 10 बाई यहाँ से 20, दैट इज हाफ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सलेशन से जो ब्लॉक है वो एक्सलेट करेगा, ठीक है, दिस इज द एक्सलेशन ऑफ ब्लॉक।
ठीक है, दिस इज द एक्सलेशन ऑफ ब्लॉक। तो अगर ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट है 4 मीटर, तो ब्लॉक को गिरने में कितना टाइम लगेगा? एस इज इक्वल टू यू टी ए टी स्क्वायर, ब्लॉक के लिए लगा देता हूँ। तो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर है, ब्लॉक 0 से चला था, हाफ एक्सलेशन वो हाफ यहाँ से आ जाएगा और टाइम टी का स्क्वायर, तो टी का स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा 16 अंडर रूट। तो 4 सेकेंड बाद ब्लॉक जो है वो नीचे गिर जाएगा बच्चों। तो 4 सेकेंड ब्लॉक अगर इसी को पुट कर दोगे, किस में पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, तो इसी टाइम में ट्रक कितना आगे गया होगा, एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी ट्रक के लिए लगा दो, 4 का स्क्वायर जैसे 16 मीटर ट्रक आगे गया होगा, तो ब्लॉक नीचे आ जाएगा। ठीक है, दैट इज यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।